इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हमने एनालिसिस वन में फॉर कंटिन्यूस फंक्शंस जो है वो डिस्कस किया था. लेट मी रिकॉल यू क्या था कि क्लोज्ड इंटरवल पे एफ कंटिन्यूस है, क्लोज्ड कॉम्पैक्ट सेट पे. कॉम्पैक्ट सेट कह दूं तो इसका मतलब है क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है. आपका फंक्शन जो है कंटिन्यूस हो तो आप फंक्शन की कोई भी दो वैल्यूज लें, एफ ऑफ लेट से एक्स वन लें, एफ ऑफ एक्स टू लें, और एफ ऑफ एक्स वन और एक्स टू के दरमियान कोई भी रियल नंबर लें, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट अ नंबर इन द डोमेन सच दैट एफ एफ डोमेन में वो मेंबर जो है एफ में आप डालें तो आंसर वो सी नंबर आए विच इज बिटवीन फंक्शनल वैल्यू इवेल्युएटेड एट एक्स वन एंड फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ एक्स टू, उसके दरमियान कोई रियल नंबर आपने लिया था. दैट वन वॉज द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. अब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल, ये भी एग्जैक्टली सेम वे से हम जो है वो स्टेट कर सकते हैं. इसके स्टेटमेंट में कॉम्पैक्ट सेट की जगह रीजन जो है वो रिप्लेस्ड होगा, और प्रूफ में भी थोड़ा सा ट्रिक है, डिफरेंट ट्रिक है. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डिस्कस द प्रूफ ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल विद यू. ओके, सो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर मोर देन वन वेरिएबल्स जो है, फंक्शंस ऑफ मोर देन वन वेरिएबल्स, ये हम स्टेट भी करेंगे और प्रूफ भी करेंगे. इसकी स्टेटमेंट क्या है, लेट एफ बी कंटिन्यूस ऑन अ रीजन एस इन आर एन. अब रीजन जो होता है ये कनेक्टेड सेट होता है. अब कनेक्टेड सेट की डेफिनेशन भी याद रखिएगा कि एक कनेक्टेड सेट एस जो है इसको मैं नहीं लिख सकता ए यूनियन बी में सच दैट ए भी एम्प्टी सेट नॉन एम्प्टी सेट हो, बी भी नॉन एम्प्टी सेट हो, और ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट हो, यानी कि ये डिसजॉइंट सेट हो, और ए कोलाइडर इंटरसेक्शन बी ये एम्प्टी सेट हो, ए इंटरसेक्शन बी कोलाइडर जो है ये बी एम्प्टी सेट हो, यानी कि नीदर ए और बी के लिमिट पॉइंट्स जो हैं वो दूसरे सेट में कंटेन करते हो. अब एस रीजन जो है वो कनेक्टेड सेट होता है, तो एस जो रीजन है उसको मैं इस तरह नहीं लिख सकता ए और बी सेट में, क्योंकि वो कनेक्टेड सेट होता है. अगर किसी सेट को मैं इस तरह लिख लूं, आई विल बी एबल टू फाइंड आउट ए एंड बी सच दैट ए यूनियन बी इक्वल्स एस है, ए और बी नॉन एम्प्टी हो, ए और बी डिसजॉइंट हो, और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट हो, ए और इंटरसेक्शन बी क्लोजर ये भी एम्प्टी सेट हो, तो हम कहते हैं कि सेट एस जो है ये डिसकनेक्टेड है. ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसको हम एक्चुअली कंट्राडिक्शन इसको आएगी, रीजन एस विल बी नो मोर अ रीजन वाइल प्रूविंग दिस इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. सपोज दैट ए एंड बी आर इन एस, एंड जो मैंने आपको पहले कहा था कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के दरमियान कोई यू नंबर आप ले लें, देन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू एस सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल्स यू होना चाहिए. ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहेगा. देन एफ ऑफ सी इक्वल्स यू फॉर सम सी इन एस. इसको प्रूफ करते हैं. प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन है. सपोज दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सी इन एस सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल्स यू है. कोई ऐसा सी डोमेन में नहीं है जिसके एफ ऑफ सी इक्वल्स यू है. इसका मतलब है कि एफ ऑफ सी या ग्रेटर देन यू होगा, एफ ऑफ सी या लेस देन यू होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस. अब इनके कोरस्पॉन्ड एक्स जो है वो मैं दो सेट्स बना लेता हूं. आर मैंने एक सेट बना लिया एस के ऐसे मेंबर्स जिनके लिए एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन यू है. ओके, और टी मैं सेट बना लेता हूं ऐसे एस के मेंबर्स जिनके लिए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन यू है. अब टारगेट क्या होगा मेरा, आई विल शो दैट कि एस जो है वो आर यूनियन टी है. ऑफ कोर्स एस आर यूनियन टी होगा, क्योंकि इक्वालिटी नहीं अगर है तो ऑल रियल नंबर्स जो हैं या लेस देन होंगे, उनका आंसर एफ ऑफ एक्स या ग्रेटर देन होंगे. उनको मैं सम करूंगा ऐसे एक्स को तो वो एस कंप्लीट एस बनेगा आर यूनियन टी का. ओके, तो आर इंटरसेक्शन टी जो है ये एम्प्टी सेट भी है ऑफ कोर्स बाय डेफिनेशन, क्योंकि ऐसा कोई एक्स मेंबर हो ही नहीं सकता जो कि
f of x less than UBO or f of x greater than UBO, it is impossible. तो intersection इसकी disjoint set होगी, R और T disjoint sets होंगे. अब मैं ये show करूंगा कि limit points of R के जो हैं, वो T के में हो ही नहीं सकते, ठीक है? If x not belongs to R, the continuity of f implies, f की continuity imply करती है, there is a delta greater than 0, such that f of x, x not, क्योंकि R में है, इसलिए ये condition hold करेगी, if x minus x not less than delta, इसका मतलब है कि ये f of x जो है, and x belongs to s हो गया, ठीक है? क्योंकि f of x less than u होगा, this means that x not does not belong to collider of T set. Therefore, R जो के limit point है, R का x not वो T के collider में नहीं है. इस from there I can conclude that R intersection T collider equals empty set. Similarly, continuity जो है उसको मैं imply करके मैं ये show कर सकता हूँ कि R collider intersection T equals empty set होगी. अब R और T set किस तरह के हैं? S को मैंने लिख दिया R union T में. R intersection T जो है ये empty set है, disjoint है. R collider intersection T ये भी empty set साबित हो गई. R intersection T collider ये भी empty set होगी. इसका मतलब है I am able to find two disjoint sets such that set equals to the union and these two conditions are satisfied. और R और T जो है ये empty set भी नहीं है. Okay? Empty set नहीं है ये. It means मैंने ये साबित कर दिया S is disconnected. S जो है वो क्या है? Disconnected set है. लेकिन S क्या था? S जो था वो तो region था. Region जो है वो तो connected होता है. So we reached a contradiction, which contradicts the assumption that S is a region. Hence, जो मैंने suppose किया था, मैंने suppose क्या किया था? कि there does not exist any X f of X equals C. ये मैंने suppose किया था कि कोई X belongs to S में कोई ऐसा member नहीं है such that f of X not equal to C. It means जो मैंने suppose किया था वो false है. तो इसकी false statement, true statement क्या है? F of X equals C. There exists an X belongs to C such that f of X equals C है, which is intermediate value theorem. यही intermediate value theorem जो है ये हमने prove करना था, and we proved it by using the definition of region in Rn.